हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एमपीपीएससी से निकली हुई वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम सिलेबस के ऊपर। इससे पहले हमने परीक्षा योजना के ऊपर बातचीत कर लिया था, आप लोगों ने उसको अच्छे से समझ लिया होगा और अब आप अपनी तैयारी के कदम को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हो। अब किसी भी परीक्षा की जब हम तैयारी करते हैं तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो होता है कि सिलेबस के बारे में जरूर एक बार देख लेना चाहिए कि इस परीक्षा का सिलेबस क्या है। तो हम अगर बात करें एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम के ऊपर तो इसमें दो प्रश्न पत्र हैं, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पूरा मध्य प्रदेश पर केंद्रित रखा गया है, ठीक है। तो इसमें जो इसका विषय है मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, कंप्यूटर का भी बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए। विषय में ही देख रहे हैं आप कि मध्य प्रदेश, फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान, यस, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। और जब इस प्रश्न पत्र को आप देखेंगे, इसके सिलेबस को देखेंगे, तो ये कुल पांच बिंदुओं में बांटकर देखा गया है। इसमें पहला बिंदु है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, यानी कि मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, संस्कृति के बारे में और साहित्य के बारे में। और इसके अंतर्गत उप इकाइयां भी दी गई हैं जिसमें मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां, प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत एवं लोक कलाएं, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। तो जो पहला आप पाठ देख रहे हैं प्रथम प्रश्न पत्र का, पूरा मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और साहित्य पर आधारित है। आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि इस प्रश्न पत्र की तैयारी हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको एमपीपीएससी द्वारा जो भी सिविल सर्विसेज की किताबें मार्केट में मिलती हैं उसमें से किसी एक अच्छी किताब को आप खरीद सकते हैं। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि एक पुणेकर प्रकाशन से पुस्तक आती है, आप जरूर इसको एक बार दुकान पर देख लीजिएगा जहाँ पर आप जाएं खरीदने के लिए। तो जल्दीबाजी में आपको कोई किताब नहीं खरीदना है बल्कि उसके विषय वस्तु को ध्यान में रखना है। भाषा सरल है, कठिन है, तथ्यों की शुद्धता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक बार आप जब भी शॉप पे जाइए तो जरूर इस सिलेबस लेकर जाइए, वहाँ उससे मिलान कर लीजिए कि क्या क्या उसमें दिया है और क्या नहीं दिया है, ठीक है। और बाकी पिछले 10 वर्षों के जो भी प्रश्न पत्र आपको सिविल सर्विसेज की अगर मिलते हैं प्रश्न पत्र तो जरूर खरीद लीजिए उसको और उसका आप अध्ययन कीजिए, ठीक है। तो आपकी तैयारी थोड़ी सी आसान हो जाएगी और जो भी मध्य प्रदेश करेंट अफेयर है इसको भी ध्यान में रखिए। दूसरा यहाँ पर दिया गया है मध्य प्रदेश का भूगोल, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के वन, पर्वत, नदियाँ इत्यादियों के बारे में पढ़ना है, मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में पढ़ना है, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन इनके बारे में पढ़ना है, ऊर्जा संसाधन परंपरागत गैर परंपरागत, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं। तो जब आप किताब खरीदेंगे एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज पर केंद्रित जो भी किताब मार्केट से, तो उसके सिलेबस में आप देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर खरीदिए, ठीक है। तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि एमपीपीएससी में सवाल कैसे बनते हैं और कौन कौन से तथ्य महत्वपूर्ण है।
अब हम तीसरे पॉइंट पर बात करें तो तीसरा पॉइंट है मध्य प्रदेश की राजनीति एवं मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा के बारे में पढ़ना है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर बिंदु है, इसको ध्यान में रखिए। मध्य प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश की जननांकी एवं जनगणना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको मध्य प्रदेश के साक्षरता के बारे में पता चल जाएगा, जनगणना के बारे में कितनी वृद्धि हुई, ठीक है, साक्षरता दर में कितनी वृद्धि, मेल फीमेल सबका पता चल जाएगा, जिलेवार पता चल जाएगा, तो इसको जरूर ध्यान में रखिए। मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और आप अगर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद है मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, मध्य प्रदेश में कृषि एवं कृषि पर आधारित उद्योग की भी जानकारी आपको रखना है। चौथा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, यानी कि आपको करेंट अफेयर भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और केवल मध्य प्रदेश पर ही आधारित करंट अफेयर नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल का भी, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं के बारे में ध्यान में रखना है। देश एवं प्रदेश की प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार तथा खेल संस्थाओं के बारे में आप ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं, इनको विशेष तौर पर ध्यान में रखिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व एवं स्थान के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि बड़े बड़े पदों पर कौन इस समय मौजूद है या फिर क्या बदलाव हुआ है, उसको भी ध्यान में रखना है। पांचवा जो पॉइंट है, अच्छा ये जो चौथा पॉइंट दिया गया था, इसका अध्ययन करने के लिए आप कोई मासिक पत्रिका का सहयोग ले सकते हैं, क्योंकि इसके लिए तो बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, समसामयिक घटना चक्र से भी आप पढ़ सकते हैं, क्रॉनिकल को पढ़ सकते हैं, लेकिन कई बार देखने में आया है कि स्टेट की भी कुछ खास पत्रिकाएं होती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, और जो भी पेपर बनाने वाले होते हैं हो सकता है कि ये पत्र पत्रिका वाले ले जाकर उनको भी दे दें कि गिफ्ट में दे रहे हैं और पता चला सवाल में से आ गया, ये भी कई बार देखने में आया हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर विशेष तौर पर आपको यही ध्यान में रखना है कि किसी एक मासिक पत्रिका को आप कंटिन्यू देखिए, बाकी मोबाइल का युग है तो आप इंटरनेट से जुड़े ही रहते हैं, सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, इंटरनेट पर भी आप न्यूज पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर पांचवा जो पॉइंट दिया गया है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, क्योंकि इसके विषय में ही ऊपर में दिया गया था कि कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान होना चाहिए, यानी बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो उसी में एक इकाई दे दी गई यहाँ पर। तो कंप्यूटर से संबंधित लूसेंट इत्यादि की बुक आती है, आप उसको खरीद कर देख सकते हैं, या फिर अगर आप UGC नेट और सेट की तैयारी किए होंगे तो आपके पास कोई ना कोई ऐसी बुक होगी जिसमें कि ये पूरे टॉपिक मिल जाएंगे, रोबोटिक्स क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ई कॉमर्स, ठीक है। और अधिक पढ़ने के लिए आप विकिपीडिया इत्यादि का भी सहारा ले सकते हैं और आराम से गूगल से चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कुल 5 अध्याय बनाए गए हैं और उनके अंतर्गत 5 अलग अलग सब टॉपिक हैं, ठीक है। तो अब आपको बार बार यही चीज़ परेशान कर रही होगी कि कोई ऐसी एक किताब हो जिसको कि पढ़कर हम कंप्लीट इसका अध्ययन कर पाए, क्योंकि मध्य प्रदेश के जितने भी विद्यार्थी होंगे उनके लिए भी एक चुनौती है और बाहर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ी सी और चुनौती है, ठीक है। मध्य प्रदेश के जितने भी लोग हैं
चीजों को जल्दी से कैच करेंगे, मेहनत उनको भी करना है। तो इसलिए आप ध्यान में रखिए कि MPPSC का अगर ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाए तो उसको जरूर देखिए, 4-5 सालों का देख लीजिए, या फिर कई पत्र पत्रिकाओं में विशेषांक के तौर पर 10 वर्षों का भी क्वेश्चन पेपर आ जाता है, तो वो अगर मिले तो उसको भी खरीद लीजिए। फिर इसके हिसाब से एक अनुमान लगाइए कि ज़्यादातर सवाल किस एरिया से पूछे गए, क्योंकि हर स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन है और पब्लिक सर्विस कमीशन हर बार एग्जाम लेता रहता है, तो वो अलग अलग ढंग के क्वेश्चंस को पूछता है, तो जिससे एक आइडिया लग जाता है कि फला फला एरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस हिसाब से आप प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी कर सकते हैं। और आपको ध्यान में रखना है कि इसमें भी आपको 40% नंबर क्वालिफाई करना है, इसको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। तो प्रथम प्रश्न पत्र को भी आपको लगातार पढ़ना है, किताबों के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट जो है उसके ऊपर जाकर भी आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ कौन कौन सी योजनाएं हैं, या फिर जो भी अपडेशन आपको मिलेगा, खासतौर से जो इसमें दिया गया था आर्थिक विकास रिपोर्ट, उसको जरूर आप खोज लीजिए, ठीक है। आर्थिक विकास वाला ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें सारी चीज़ें आपको मेन मेन चीज़ें आ जाएंगी। तो उम्मीद है कि आप ज़्यादा नहीं भटकेंगे, चीज़ों को समझते हुए धीरे धीरे अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा ये प्रथम प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम पर चर्चा आप सभी को कैसा लगा, और आगे हम सेकेंड पेपर पर बातचीत करेंगे और उस पर गहन तरीके से बातचीत करेंगे कि कैसे आप कम समय में उसको कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है। आप देख रहे हैं कि प्रथम प्रश्न पत्र में ही कुल 5 इकाइयां बनी हुई हैं और सेकेंड पेपर में तो मैंने देखा कि 10 इकाइयां, और उसका पेपर उसका जो पाठ्यक्रम है वो बहुत छोटा नहीं है, लंबा चौड़ा, तो इसलिए आपको वक्त लगेगा कम से कम 2 से 3 महीने। हाँ, एक चीज और ध्यान में रखना है, क्योंकि चुनाव का माहौल है, अब मध्य प्रदेश में ही जल्दी चुनाव हो सकता है, इसीलिए तो ये वैकेंसी आई हुई है। तो कोशिश यही रहेगी कि आप चुनाव को भी पता कर लीजिए कि किस महीने में होगा, उसके पहले पहले एग्जाम किसी न किसी रूप में होना तय है, तो हर एंगल से आपको देखकर चलना है, और यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उसको गंभीरता से देखना है। बाकी जुड़ने के लिए मैं आप सभी से बार बार आग्रह करता हूँ कि अगर आप नए हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए, आप सभी का जुड़ना ही हमारा मनोबल बढ़ाना है, आप सभी का जो भी संख्या बल है वो हमारा मनोबल है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए